BTS के मेंबर्स अपनी आर्मीज के साथ नई नई चीजें तो करते ही रहते हैं। ऐसे में BTS के मेंबर्स जब भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो आर्मीज के साथ शेयर करते हैं, और ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया था BTS के मेंबर वी यानी हमारे किम तेयोंग ने, जहां पर उन्होंने आर्मीज के साथ ना एक वीडियो गेम ऑनलाइन खेला था और वहां पर आर्मीज को उनके साथ खेलकर काफी मजा भी आया था। और फिर बाद में कई सारे आर्मीज ने वी के साथ खेले हुए इस गेम की वीडियोस को पोस्ट भी किया था, जिसके बाद हर जगह ये बात होने लगी कि एक्चुअली ये सीक्रेट लड़की जो कि वी के साथ खेल रही है वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैकपिंक की मेंबर जिसो है। क्योंकि जब आर्मीज ने उन वीडियोस में उस लड़की की वॉइस सुनी तो उनका कहना था कि ये वॉइस जिसो से काफी सिमिलर है, और जिसो ये हो भी सकती है क्योंकि वी के साथ खेलने वाला सिर्फ और सिर्फ कोरियन इंसान ही हो सकता है। अगर आप ये पूछो कि ऐसा क्यों, तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि वी ककॉल टॉक के सर्वर यूज करते हैं और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोरिया के सर्वर्स ही चलते हैं। अगर आप VPN भी यूज करो तो आप डायरेक्टली वी के लिंक को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो भी एप्स है उनका जो भी लिंक है वो डायरेक्ट कोरिया के सर्वर से ही लिंक होता है। इसीलिए के आर्मीज यानी कोरियन आर्मीज और कोरिया के सिटीजन ही डायरेक्टली वी के साथ इन चीजों को इंटरेक्शन में कर सकते हैं। तो दोस्तों वी ने बताया था आर्मीज को एक ग्रुप जहां पर उन्होंने बोला था कि चलो हम एक बार तो रूल्स को तोड़ ही सकते हैं, क्योंकि सभी आर्मीज वी को बोल रही थी कि क्या हम आपके साथ खेली हुई वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं या नहीं। जिसके बाद सभी आर्मीज ने जब वी और उस लड़की दोनों की आवाज सुनी तो उनका कहना था कि आवाज जिसो से काफी सिमिलर है, और दोस्तों सुनने में भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जिसो की ही आवाज होगी। लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये लड़की जिसो है तो दोस्तों आपको भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि एक्चुअली जो आर्मी ये थी ना, मतलब जिस लड़की ने वी के साथ खेला था, उसने बाद में खुद ही अपनी आईडी रिवील कर दी थी, और उसने सबके सामने आकर ट्विटर पर ये बताया भी था कि उसने वी के साथ पर्सनली ये गेम को खेला। यही नहीं बल्कि इस गेम में काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, क्योंकि दोस्तों वी ने तो पहले ना सभी आर्मीज को मार दिया था, लेकिन एक गर्ल आर्मी थी जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी थी इस गेम को खेलने में, और वो बच गई थी। लेकिन दोस्तों लास्ट में हुआ क्या कि जब वी के सारे हथियार खत्म हो गए थे ना, तो फिर वी चुपके चुपके जा रहे थे और अचानक से वही लड़की वी के सामने आ गई, और वी काफी डर गए थे कि वो उनको मार देगी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि वी के सामने आने के बाद वो लड़की डांस करने लगी, और वी काफी ज्यादा डरे हुए थे, तो वी ने उस आर्मी को बोला कि प्लीज मुझे मत मारना। जिसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको नहीं मारेंगे, और वो डांस कर रही थी, लेकिन फिर भी ना वी बहुत ही डर के वहां से जा रहे थे। तो इस तरीके से वी के साथ इन आर्मीज को गेम खेलने का एक्सपीरियंस मिला था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वी ने जो ग्रुप बनाया था उसका लिंक उन्होंने ऑनलाइन आर्मीज को बताया था और कोड भी बताया था जब वो लाइव आए थे, और उसके बाद आर्मीज ने उसे ज्वाइन करके खेला था। तो इसी वजह से कई सारे आर्मीज को लगा कि शायद जिसो ने भी वी के लाइव को देखा होगा और वो गेम खेलने आ गई, और क्योंकि माइक ऑन था तो उनकी आवाज भी आ गई। लेकिन बाद में इस बात को लेकर क्लैरिटी मिल गई थी कि वी और जिसो ने साथ में गेम नहीं खेला है। तो आर्मीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आप चाहते हो कि ब्लैकपिंक और BTS के मेंबर्स कभी साथ में ऐसे ऑनलाइन गेम्स खेले। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।